दोस्तों आज टीवी इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और हैंडसम एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर गिने जाने वाले अभिनेता शरद मल्होत्रा आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने शानदार अभिनय प्रदर्शन का रंग कुछ इस तरीके से बिखेरा है कि आज देश भर का हर एक शख्स इनके रंग में रंग चुका है। इसलिए तो आज ना तो इन्हें किसी भी शोहरत की जरूरत है और ना ही दौलत की, जो कि इनकी एक अलग ही खासियत कही जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि आज ढेर सारी दौलत और शोहरत के साथ एक शानदार जिंदगी जी रहे अभिनेता शरद मल्होत्रा को एक समय पर बेवफाई का सामना भी करना पड़ा था। जी हाँ, शादी के बाद इनके पत्नी का किसी और के साथ अफेयर रहा था, जिसके चलते इन्हें बेवफाई का सामना करना पड़ा। तो देर न करते हुए जल्दी से जान लेते हैं कि आखिरकार क्या रही है शरद मल्होत्रा की दौलत शोहरत और इनकी पत्नी से मिली इनकी बेवफाई की पूरी दास्तान। लेकिन इससे पहले टीवी के इस हाईएस्ट पेड और हैंडसम एक्टर के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। 9 जनवरी 1983 को फिल्म सिटी मुंबई में जन्मे अभिनेता शरद मल्होत्रा ने यहीं से अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद साल 2004 में आई सीरियल प्रिंसेस डॉली और उसका मैजिक बैग से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसमें इनके अभिनय प्रदर्शन को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि इन्हें आगे चलकर नागिन 5, बनू मैं तेरी दुल्हन, कसम तेरे प्यार की और भी कई जैसे सुपरहिट साथ ही साथ एक तेरा साथ और फ्रॉम सिडनी विद लव जैसी फिल्मों में काम करने का शानदार मौका मिला, जिसमें काम करके इन्होंने खूब नाम कमाया और इसी के चलते आज टीवी के वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में एक गिने जाते हैं, जो कि आज 70,000 रुपए पर एपिसोड के हिसाब से चार्ज करते हैं और इसी के बलबूते पर ना आज पूरे 11 करोड़ रुपए के इकलौते मालिक बन चुके हैं, जिनका मुंबई के लोखंडवाला में अपना एक शानदार बंगला है जिसकी कीमत भी करीब 4 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस घर में हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है, चाहे फिर बात लिविंग एरिया की हो, बिगेस्ट हॉल की हो या फिर शानदार गार्डन की। इसी के साथ साथ इन्होंने अपनी आज दौलत और शोहरत को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया है कि इनकी लग्जीरियस लाइफस्टाइल के भी पूरी इंडस्ट्री में चर्चे ही चर्चे हैं, जो कि अपने ड्रेस कलेक्शन और फुटवेयर कलेक्शन के साथ साथ अदर एक्सेसरीज पर भी खूब पानी की तरह पैसा बहाते हैं। इसके अलावा इनके कार कलेक्शन में भी आपको टोयोटा और एमजी हेक्टर जैसी लग्जीरियस और एक्सपेंसिव गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। वही बात की जाए इनके पत्नी की बेवफाई की कहानी के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 2019 में फैशन डिजाइनर रिप्सी भाटिया के साथ शादी कर घर बसाया था, जो कि शरद मल्होत्रा की बहन रीमा पावा की बेहद अच्छी दोस्त थी और इसी के चलते दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रहता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी होती गई। लेकिन इन्होंने अपने इस रिश्ते को महज एक दोस्ती तक ही मीडिया के सामने रखा था, लेकिन शरद मल्होत्रा की माँ तो चाहती थी कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और रिप्सी भाटिया के साथ घर बसा ले। इसी के चलते शरद मल्होत्रा की मां की बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों ने शादी करने का फैसला किया और बिना एक दूसरे को डेट किए ही दोनों साल 2019 में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि शादी के शुरुआती दिनों में तो दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा गहरा और मजबूत था। शादी के कुछ समय बाद ही ये खबरें आनी शुरू हो गई कि जाने अनजाने में शरद के साथ शादी के बंधन में बंधी रिप्सी भाटिया का एक दूसरे शख्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। हालांकि उस शख्स का नाम तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन अपनी पत्नी रिप्सी भाटिया से मिली इस बेवफाई वजह से शरद मल्होत्रा पूरी तरीके से अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। इनके घर छोड़ने तक का फैसला कर लिया था, लेकिन आखिरकार रिप्सी भाटिया को ये रियलाइज हो ही गया कि वो अपने पति के साथ बेहद गलत कर रही हैं और इसीलिए इन्होंने शरद से माफी मांगकर एक बार फिर से इस रिश्ते की नई शुरुआत की, जिसके बाद से ही शरद मल्होत्रा अपनी पत्नी से मिली इस बेवफाई को भूलकर उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। दोस्तों आप क्या कुछ कहना चाहेंगे शरद मल्होत्रा की दौलत शोहरत और उनकी पत्नी से मिली इस बेवफाई के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी ही और चटपटी खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।